गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रकाश और आप सभी का स्वागत है प्रकाश चौहान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जेब्रोनिक की ओर से जो कीबोर्ड आता है ट्रांसफॉर्मर गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस का जो कॉम्बो है उसमें दोस्तों जो कीबोर्ड है उसके बहुत ही कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ। शायद आप में से काफी सारे लोग नहीं जानते होंगे। और दोस्तों मैंने YouTube पे सर्च किया तो मुझे इसके बारे में कोई भी वीडियो नहीं मिली, तो मुझे पता था इस ट्रिक के बारे में, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को उस गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस का बॉक्स दिखा देता हूँ कि मेरे पास कौन सा गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस है। तो ये है दोस्तों मेरे पास बॉक्स, उसका जेब्रोनिक की ओर से आने वाला दोस्तों ट्रांसफॉर्मर गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो दोस्तों आता है। और ये मैंने लिया था लगभग 1300 रुपये में, और इसकी दोस्तों जो प्राइस है वो अप डाउन होती रहती है। अगर आपको चाहिए दोस्तों सेम कीबोर्ड एंड माउस तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ट्रिक क्या है। सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए, ये रहा हमारा जेब्रोनिक का कीबोर्ड और ये है दोस्तों इसका माउस। तो अभी दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख लीजिए ये जो माउस है इसका जो कलर है वो ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। आप लोग देख लीजिए, कभी नीला, कभी ब्लू, कभी रेड, तो ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। लेकिन दोस्तों कीबोर्ड में क्या है आप लोग देख लीजिए, कीबोर्ड में दोस्तों इसकी मदद से हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं जो भी हमें रखना हो। तीन कलर दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं, वैसे तो बहुत सारे मिलते हैं लेकिन तीन टाइप के कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी मैं आपको एक ऐसी कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से ये जो कीबोर्ड के जो कलर है RGB लाइट हुई है ऑटोमेटिक ब्लिंक होगी। आप में काफी सारे लोग जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन जो भी नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता देता हूं। जैसे कि दोस्तों यहां पर देख लीजिए ऑटोमेटिक माउस में जो लाइट चेंज होती रहती है, कुछ इसी प्रकार से दोस्तों कीबोर्ड की जो लाइट है वो चेंज होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों मैं कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ उस ट्रिक के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग सबसे पहले तो देख लीजिए, मैंने कुछ ऐसी की प्रेस की यहाँ पर, तो ऑटोमेटिक दोस्तों इसकी जो लाइट है वो चालू हो गई और चेंज होने लग गई। आप लोगों के सामने दोस्तों चेंज हो रही है, आप लोग देख लीजिए ब्लिंक हो रही है। तो आप लोग दोस्तों ये कैसे कर सकते हैं वही मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जिसने भी अभी तक लाइक नहीं करा है जल्दी से लाइक कर दो। और दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो काफी हट के है दूसरे टॉपिक से। आपको पता ही होगा कि हम लोग फ्री फायर के रिलेटेड और गेमिंग के रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं, लेकिन दोस्तों ये गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो था तो मैंने सोचा कि इसका भी वीडियो डाल दिया जाए और आप लोगों को एक बहुत ही कमाल की ट्रिक बताई जाए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ऑटोमेटिक चालू करने के लिए RGB लाइट को आपको क्या करना है। तो अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कीबोर्ड की जो लाइट है वो ब्लिंक नहीं हो रही है। और यहाँ पर दोस्तों हमें की मिलती है जिसकी मदद से हम लोग लाइट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों तीन स्टेप हमें मिलते हैं चेंज करने के लिए, लेकिन दोस्तों हमें ये हाथ से करना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग ऑटोमेटिक करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों कीबोर्ड में आपको FN की मिलती है, तो आपको दोस्तों सबसे पहले इसको प्रेस करना है, फिर दोस्तों ये वाली जो की है इसको प्रेस करना है, और इसको प्रेस करते ही दोस्तों RGB जो ऑटोमेटिक लाइटिंग है वो चालू हो जाएगी और आपको दोस्तों टच नहीं करना पड़ेगा लाइट को बार बार चेंज करने के लिए। और ये दोस्तों काफ़ी सारे लोग नहीं जानते होंगे इसके बारे में। साथ ही दोस्तों इसको बंद करने के लिए आपको दोबारा से इसको प्रेस करना है और इसको प्रेस करना है तो लाइट बंद हो जाएगी। और दोस्तों काफ़ी सारे लोग ये भी नहीं जानते हैं कि इसकी ब्राइटनेस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं अप एंड डाउन करने के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को FN की को प्रेस करना है, फिर दोस्तों ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए आपको ये जो अप का ऑप्शन है PGF इसको आपको प्रेस करना है, जिससे दोस्तों जितनी ब्राइटनेस होगी उतनी बढ़ जाएगी। और कम करने के लिए दोस्तों आप लोगों को ये जो कम PG डाउन है उसको क्लिक करना है। तो आप लोग देख लीजिए ब्राइटनेस हाँ बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी और इससे बढ़ जाएगी। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको मैं ब्राइटनेस बढ़ा के दिखा सकूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि ब्राइटनेस कम हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग जेब्रोनिक के कीबोर्ड की RGB लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना, और जो भी लोग दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।